हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टुडेज मैथ्स क्लास। स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी लर्न एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन योर प्रीवियस क्लासेस, बट इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डू विद सम बिगर डिजिट्स। So students, in today's class we are going to discuss refresh, or you can also say let's recall. We will do revision of your previous classes. Okay, so are you all ready? Students, now we will start writing in our fair book. We will give heading chapter number 2, addition and subtraction. Addition and subtraction. Okay, in that we are going to start recall. Question number 1 is add. Question number 1 kya hai? Add. Okay, so number A, 4,257 plus 3,441. Students, हमें इनको प्लस करना है. Okay, both the numbers are of 4-4 digits. Okay, दोनों numbers 4-4 digits के हैं. तो हम पीछे से count करेंगे. Students, हम कभी जब भी हम addition या subtraction करते हैं तो हम पीछे से start करते. That is from right to left. So students, in tens place here it is 7, here it is 1. So students, what is 7 plus 1? 8. Now here it is 5, here it is 4. So students, what is 5 plus 4? Yes, 9. 2, 4. Dono ki 100 ki place par kya hai? 2 and 4. So 2 plus 4 is 6. And ones mein 4. Here it is 3. So 4 plus 3 is 7. So students, this answer ho gaya 7,698. Okay. Now number B, 7,254 plus 2,567. So students, now here it is 4, here it is 7. So what is 4 plus 7? Yes, 11. 1 we will carry over in tens place. Now what is 1 plus 5? 6. 6 plus 6? 12. So 2 here, 1 carry over. What is 1 plus 2? 3. 3 plus 5? 8. And 7 plus 2? 9. So students, इसका आंसर क्या हो गया? 9,821. Understood? Now next question, question number 2, subtract. Next question किसका है? Subtract. Okay, now number A, 7,896 minus 2,543. Students, subtraction भी हम पीछे से start करेंगे. So what is 6 minus 3? What is 6 minus 3? Yes, 6 minus 3 is 3. 9 minus 4? Yes, 9 minus 4 is 5. 8 minus 5? 3. 7 minus 2? 5. The students, iska answer ho gaya 5,353. Okay. Number B, 6,572 minus 4,367. So students, now here it is 2, here it is 7. So is it possible 2 minus 7? No. We will cut 2, borrow 10. So it will become 12. हमने 10 borrow किया है, तो यहाँ पर 7 को cut करके क्या लिखेंगे? 6.
Now students, what is 12 minus 7? Tell me, what is 12 minus 7? Yes, very good. 12 minus 7 is 5. What is 6 minus 6? 0. 5 minus 3? 2. And 6 minus 4? 2. तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हो गया 2205. ओके स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज फिल इन द ब्लैंक्स. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ सो गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स. ओके नाउ स्टूडेंट्स इन दैट नंबर ए. ओके नंबर ए इज 2264 प्लस 4567 इज इक्वल्स टू 4567 प्लस डैश. स्टूडेंट्स ये आपको मैं समझा देती हूँ. हम 2 प्लस 3 लिखे या 3 प्लस 2 दे बोथ आर सेम दे बोथ आर इक्वल. 2 प्लस 3 इज ऑल्सो 5 एंड 3 प्लस 2 इज ऑल्सो 5. सो स्टूडेंट्स हियर दे आर आस्किंग 2264 प्लस 4567 इज इक्वल्स टू 4567 प्लस डैश. तो स्टूडेंट्स इधर क्या आएगा यस 2264. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू. ओके नंबर बी 7163 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 7163. स्टूडेंट्स मैं 7163 में क्या प्लस करूंगी तो मेरा आंसर वही रहेगा दैट इज 7163. मुझे इसमें क्या प्लस करना चाहिए तो वो सेम ही रहेगा यस जीरो. क्या प्लस करना पड़ेगा जीरो. स्टूडेंट्स इफ वी एड एनी नंबर विथ जीरो आंसर इज द नंबर इटसेल्फ. अगर हम कोई भी नंबर को जीरो के साथ प्लस करते हैं तो उसका जो भी आंसर होगा वो नंबर खुद ही होगा. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 7163 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू 7163. आया समझ में. ओके नंबर सी 1675 प्लस 2784 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 1675 प्लस 5793 प्लस 2784. So students now who will tell me which number will come here? Yes, very good. कौन सा नंबर यहाँ पर नहीं आया है 5793. तो इधर ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे 5793. Understood all of you? Okay. Then comes number D 8275 minus 8275 is equals to dash. दोनों अगर सेम नंबर होते हैं और उनका सब्ट्रैक्शन करते तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो. क्या आएगा उसका आंसर जीरो. अगर मैं 10 में से 10 माइनस करूंगी तो उसका आंसर क्या हो जाएगा जीरो. When two same numbers are subtracted, the answer is zero. Understood all of you? Last number E, 6,800
91 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 6891। स्टूडेंट्स 6891 में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, तो मुझे यही आंसर मिलेगा, यस जीरो। मुझे कुछ भी माइनस नहीं करना, यानी कि जीरो। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, गिव हेडिंग क्वेश्चन नंबर 4, use the shortcut method, use the shortcut method to add। यहां पर हमें shortcut method use करनी है और उसका addition करना है। So students, number A is 38 plus 14 plus 12। तो फ्रेंड्स हम मैक्सिमम क्या ट्राई करेंगे कि उसका आंसर वो आए जीरो हो जाए। तो पहले हम इसको अरेंज कर देंगे, तो 38 प्लस 12 प्लस 14। क्यों हमने अरेंज किया कि पहले हम वो चेक करेंगे कि हमारा पीछे का डिजिट जो है वो जीरो आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 8 प्लस 4 क्या होता है? 12। 8 प्लस 4 कितने होते हैं? 12। 4 प्लस 2 कितने होते हैं? 6। बट 8 प्लस 2 इज 10। ओके, 8 प्लस 2 कितने होते हैं? 10। तो नाउ स्टूडेंट्स 8 प्लस 2 इज 10, सो 0 आई विल राइट हियर, 1 कैरी ओवर। नाउ 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 1 इज 50। नाउ स्टूडेंट्स 50 प्लस 14, 0 प्लस 4 इज 4 एंड 5 प्लस 1 इज 6। आया समझ में? मैंने क्यों अरेंज किया, क्योंकि मुझे अगर दो नंबर्स को प्लस करूं तो इसका आंसर जीरो से एंड होना चाहिए, यानी कि उसका डिजिट जो है वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पर 8 प्लस 4 क्या होता है? 12। तो उसमें तो जीरो नहीं है। फिर अगर ये दो लू 4 एंड 2, तो 4 प्लस 2 कितने होते हैं? 6। वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने क्या लिया? 8 एंड 2। तो मैंने 38 प्लस 12 पहले किया और उसमें फिर 14 ऐड किए। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके, नंबर बी 57 प्लस 39 प्लस 23 प्लस 11। तो स्टूडेंट्स 7 प्लस 9 कितने होते हैं? 16। व्हाट इज 7 प्लस 9? 16। मुझे तो 10 चाहिए, तो ये दोनों को हम साथ में नहीं रख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज 7 प्लस 3? यस, 7 प्लस 3 इज 10। तो मैं ये दो नंबर साथ में रख सकती हूँ। तो चलो 57 प्लस 23 ये ग्रुप बन गया, और दूसरा ग्रुप क्या बना? 39 प्लस 11, यानी कि 9 प्लस 1 इज 10। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट इज 7 प्लस 3? 10। 7 प्लस 3 क्या होता है? 10। तो यहां पर 1 कैरी कर देंगे। नाउ व्हाट इज 1 प्लस 5? 6। एंड 6 प्लस 2 इज 18। प्लस व्हाट इज 9 प्लस 1? 10। 0 हियर, 1 कैरी ओवर। नाउ स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 इज 4 एंड 4 प्लस 1 इज 5। नाउ 80 प्लस 15, 0 प्लस 0 0 एंड 8 प्लस 5 13। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या हुआ? 130। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। यू स्टडी द फॉलोइंग, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, study the following example and perform subtraction and perform subtraction as shown। students हमें यहाँ पर एक example दिया है और उसी की तरह हमें दूसरे solve करने हैं।
ओके सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स ट्राई नंबर ए. नंबर ए इज 4000 माइनस 1276. ओके अब उन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है वो हम चेक करेंगे अपनी बुक में. तो फर्स्ट स्टेप उन्होंने क्या किया है, दोनों में से वन वन माइनस किया है. क्या किया है, दोनों में से वन वन माइनस. सो हियर वी विल राइट 4000 माइनस वन इन ब्रैकेट, ये किसकी साइन है, माइनस. तो माइनस, अब मैंने यहां पर वन माइनस किया तो मुझे ये नंबर में से भी वन माइनस करना पड़ेगा. सो 1276 माइनस वन. नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज 4000 माइनस वन. अब हम माइनस नहीं करेंगे, अब आप खुद ही बताओ कि 4000 का प्रेडिसेसर क्या होता है. जब हम कोई भी नंबर में से वन माइनस करता है तो वो नंबर उसका प्रेडिसेसर होता है. तो पूरा माइनस नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट्स नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 4000. यस वेरी गुड, प्रेडिसेसर ऑफ 4000 इज 3999. सेम वे स्टूडेंट्स व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1276. यस वेरी गुड, प्रेडिसेसर ऑफ 1276 इज 1275. ओके नाउ स्टूडेंट्स वी विल डू सब्ट्रैक्शन. व्हाट इज 9 माइनस 5, 4. 9 माइनस 7, 2. 9 माइनस 2, 7. एंड 3 माइनस 1, 2. तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो गया 2724. ओके नाउ वी विल कम टू नंबर बी, दैट इज 3000 माइनस 1483. स्टूडेंट सेम वे पहले हम दोनों में से वन वन माइनस कर देंगे. तो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 3000 माइनस वन, यहां पर माइनस की साइन है इसलिए माइनस, ब्रैकेट में लिखेंगे 1483 माइनस वन. दोनों में से वन वन माइनस किया. सो स्टूडेंट्स नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 3000. यस इट इज 2999 माइनस व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 1483. यस नाउ प्रेडिसेसर ऑफ 1483 इज 1482. अब स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे. 9 माइनस 2 इज 7. 9 माइनस 8 1. 9 माइनस 4 व्हाट इज 9 माइनस 4. यस 9 माइनस 4 इज 5 एंड 2 माइनस 1 इज 1. सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो गया, 1570. स्टूडेंट्स I have discussed A and B with you, number C and number D is your homework. Students, I hope you all of you enjoyed our today's class. If you have any doubt, please drop your query in school applications query section. We will meet soon. Till that, goodbye and take care.